हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का पहला सिलेबस। टॉपिक हमारा आज होगा मोशन। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपसे अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नाइन्थ और टेंथ का फिजिक्स लूँगा स्टेप बाय स्टेप, और आपकी जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पता है कि कहाँ आना है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आएंगे, वहाँ कमेंट करेंगे और हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? और जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, क्लास नाइन टेंथ के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार से मैं जब भी, और वो बेल बटन होता है ना उसको दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत ही मैसेज मिल जाए, सीक्वेंस में आप पढ़ते जाएं उस चीज को और ध्यान से समझते जाएं। मैं बहुत आराम से आपको इस नाइन्थ का कंटेंट अभी बताऊंगा, नाइन्थ और टेंथ बताऊंगा, जितना आपका एनसीईआरटी अभी अपन फॉलो करने हैं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का हर एक चीज मैं आपको समझा दूंगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। मेरा नाम है संजीव कुमार झा, चैनल का नाम है मीन मेंटलिस्ट। स्पेलिंग याद रखिएगा, MEAN मीन मेंटलिस्ट, MENTALIST। ये हमारा चैनल है, इसको आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना चाहते हैं कर दीजिए, लेकिन बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको मैसेज मिलता रहे, ठीक है? तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पहला क्वेश्चन होता है कि मोशन क्या होता है, वैसे तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मोशन क्या होता है, लेकिन हम यहां से काम स्टार्ट नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि ये तो हर कोई बोलता है, तो आपने क्या स्पेशलिटी दिखा दी? तो ठीक है, हम काम शुरू करते हैं सबसे पहले वेक्टर से। देखिए वेक्टर क्या होता है, और एक वेक्टर, दूसरा हम जानेंगे स्केलर, ये दो बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। एक और होता है तीसरा भी, जिसको हम लोग टेंसर के नाम से जानते हैं, लेकिन नाइन्थ और टेंथ के बच्चों के, नाइन्थ के लिए अभी आपको ये नहीं जानना है, मैं बताऊंगा लेकिन नहीं है आपको। अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है सच क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ एंड ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ नहीं समझ में आया? देखिए एक्चुअली क्वांटिटी दो टाइप का, हम तीन टाइप का होता है, लेकिन मैं दो पे चर्चा करूंगा। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि जिसमें डायरेक्शन भी होता है और साथ के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। स्टेप बाय स्टेप समझिए, चलिए मैं एक बार स्केलर का भी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर एग्जांपल्स लिखेंगे। सच क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी हम समझाएंगे। टेंसर जो होता है, इसमें क्या होता है कि इट मे हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बट नॉट फॉलोज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और ये जो होता है, इट फॉलोज एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन या अर्थमैटिक एडिशन कह दीजिए, इट फॉलोज अर्थमैटिक एडिशन। क्या मतलब हुआ इस चीजों का? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक बात कही कि आपको 5 स्टेप चलना है। मैंने क्या बोला आपको? 5 स्टेप चलना है। मैंने आपसे बोला कि 5 स्टेप चलिए, तो मैं 5 स्टेप चलने में क्या कर सकता हूं? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, फिर मैं टर्न हो जाऊं 4 और 5,
कितना स्टेप चल गया मैं? 5। देखिए मैं चला 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, फिर मैं वापस आ गया 4 और 5, मैं यहां खड़ा हो गया। मुझे तो आप, मैंने तो कहा था 5 स्टेप चलने के लिए, अब 5 स्टेप चल चुके हैं, दैट्स ऑल। तो ऐसा इसमें क्या कोई डायरेक्शन है क्या? इसमें कोई डायरेक्शनल बात है क्या? नहीं है इसमें डायरेक्शन का कोई। मैंने ऐसा कोई बोला कि आपको 5 स्टेप नॉर्थ में चलना है, या मैंने ऐसा बोला क्या कि 5 स्टेप लेफ्ट की तरफ चलो? ऐसा तो नहीं बोला मैंने। मैंने सिर्फ बोला कि 5 स्टेप चल लो। अब आप चाहो तो गोल गोल घूम लो 5 स्टेप, आपकी मर्जी हो तो 5 स्टेप पूरा स्ट्रेट चले जाओ, आपकी मर्जी हो तो 5 स्टेप पीछे की तरफ आ जाओ, आपकी मर्जी हो तो 5 स्टेप ऊपर चला जाओ, आपकी मर्जी हो तो 5 स्टेप नीचे चले जाओ, आपकी मर्जी हो तो 2 आगे 2 पीछे फिर 1 आगे चले जाओ, जैसा मन करे आपको। बस मेरा यह कहना है कि आपको 5 स्टेप चलना है, दैट्स ऑल। हमने सिर्फ कहा था 5 स्टेप चलना है, कोई डायरेक्शन की बात हमने आपसे नहीं की थी। तो ये जो चीज होता है इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। और ये जो 5 है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो सांख्यिकी वैल्यू होता है, यहां पे देख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू 5, तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मैग्नीट्यूड, है ना, द्रव्यमान जो होता है। ये 5 क्या है हमारा? इसका मैग्नीट्यूड क्या है इसका? ये हमारा मैग्नीट्यूड मेजरमेंट है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। फिर से मैंने कहा 5 स्टेप चलना है, किसी डायरेक्शन के बारे में चर्चा नहीं किया। तो बिना डायरेक्शन वाला जो चीज होता है वो हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। इस बात को समझ गए। अब दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैंने आपसे क्या बोला? अब जो मैं दूसरा बात आपसे बोलूं, मैं क्या बोलूं? देखिए यहां पे मैंने क्या कहा था एग्जांपल के लिए? एग्जांपल अगर मैं अभी कहूं तो 5 walk 5 step, क्या बोला मैंने? वॉक 5 step, दैट्स ऑल। अब मैंने यहां पे क्या बोला कि वॉक 5 step इन ईस्ट। अब देखिए क्या हुआ। अब अगर मैं आपसे कहूंगा चलने के लिए, तो अब मैंने कह दिया कि आपको ईस्ट में ही जाना है। मैंने कह दिया कि अब आपको ईस्ट में ही जाना है, तो अब आप अगर यहां खड़े हैं तो आपको 5 स्टेप ईस्ट में जाना पड़ेगा। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे 1 step 2 step 3 step 4 step 5 step, तो मुझे ईस्ट में ही, अब मैं चाहूं अपनी मर्जी से तो मैं इधर नहीं जा सकता हूं, मैं चाहूं इधर जाऊं तो भी काम नहीं बनेगा, मैं इधर चले जाऊं तो भी मुझे इधर ही जाना पड़ेगा। एक ही चीज है, मुझे इधर के तरफ ही जाना पड़ेगा। तो देखिए 5 स्टेप इसमें मैग्नीट्यूड और ईस्ट इसका डायरेक्शन। तो जिसके पास डायरेक्शन होता है और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड तो सबके ही पास होता है लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या है, डायरेक्शन भी है कि आपको ईस्ट में ही जाना है, आपको ईस्ट में ही जाना है, कहीं और नहीं जा सकते हैं, है ना। तो ये जो डायरेक्शन वाला बात होता है ये किस में आता है? ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज जिसमें डायरेक्शन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब टेंसर की बात कर ले, क्या होता है टेंसर में? जैसे हम करंट की बात करते, देखिए वेक्टर में क्या, अच्छा यहां तक ये बात समझ गए। तो अब मैं एक बात आपसे और कहता हूं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। ये जो था ना लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या होता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? इसको डीपली नहीं जानना है अभी हमको, हमको थोड़ा सा जानना है। क्या जानना है? सीबीएसई लेवल के लिए, फिर मैं आईसीएसई या टेक्नो लेवल पे जो मैंने कहा था उसमें तो अपने को जानना है। तो देखिए क्या है यहां पे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यहां पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, मान लीजिए यहां पे कुछ एक रखा हुआ, एक ईंट रख दिया हमने, यहां पे एक ब्रिक है हमारा ये। अब इस ब्रिक में क्या किया कि मैंने इधर एक थ्रेड बांधा और इधर खींचना शुरू किया। किसी ने, मान लीजिए आपने क्या किया, एक थ्रेड और बांध के, एक रस्सी बांध के इधर खींचना शुरू किया। तो अब ये ब्रिक किधर जाएगा भाई? मैं भी इधर फोर्स लगा रहा हूं, आप भी इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ब्रिक किधर जाएगा? जिसमें ज्यादा दम होगा उधर की तरफ जाएगा? नहीं, ये कुछ ना कुछ इधर की तरफ जाएगा। ये कुछ ना क्या करेगा? ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा। तो मैंने जो फोर्स लगाया, ये मतलब मैंने जो कुछ दम लगाया, आपने भी कुछ दम लगाया, तो दोनों जुड़ के इस पे काम क्या हुआ? देखिए इधर की तरफ काम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ?
तो ये जो आता है ये वेक्टर एडिशन से आता है। किससे आता है? ये ऐसा एडिशन जो होता है वो वेक्टर एडिशन होता है, ठीक है। ये चीज अब स्केलर एडिशन में क्या होता है? स्केलर तो आप सिंपल जानते हैं, 2+3 कितना होगा? 5 होगा। देखिए स्केलर में 2+3 5 होगा, नो डाउट। लेकिन वेक्टर में 2+3 5 होगा नॉट नेसेसरी, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि इस 2 और 3 के बीच में एंगल कितना है। कंफ्यूज नहीं हुई है? ये डिपेंड करेगा, तो उसमें डिपेंड करता है ये वेक्टर एडिशन और ये नॉर्मल क्या हो गया, एल्जेब्रिक एडिशन या अर्थमेटिक एडिशन जो हम करते हैं। तो टेंसर वाले क्वांटिटी में क्या होता है कि डायरेक्शन भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, इस वाले लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो उसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग करंट ले सकते हैं, करंट होता है ना, करंट, उस करंट इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है ना। तो इतनी सी बात है, टेंसर में आपको ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है, लेकिन ये दोनों आपको बहुत अच्छे से समझना है। फिर से एक बार, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? मैंने कहा 5 कदम चलो, मैंने कहा 3 किलोमीटर दौड़ना है आज, तो 3 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं चाहे तो सीधा दौड़ता हुआ 3 किलोमीटर चला जाऊं, या चाहूं तो मैं 3 किलोमीटर गोल गोल चक्कर लगा लूं किसी स्टेडियम के, या मैं 1.5 किलोमीटर आगे जाऊं और फिर 1.5 किलोमीटर वापस आऊं। 3 किलोमीटर दौड़ना था, मैं कैसे भी दौड़ सकता हूं। लेकिन अब अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि मुझे 3 किलोमीटर यहां से नॉर्थ डायरेक्शन में दौड़ना है, मुझे 3 किलोमीटर किधर की तरफ, मुझे 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में दौड़ना है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हुआ, अब मुझे यहां से 3 किलोमीटर ईस्ट ही चलना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन वाली बात क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। एडिशन समझे, वेक्टर एडिशन क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है वेक्टर एडिशन डायरेक्टली 2+3 = 5 हो जाएगा, वेक्टर एडिशन में ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। और एल्जेब्रिक में तो होता है हमारा ये, है ना। इसमें डिपेंड करेगा कि इस 2 और 3 के बीच में एंगल कितना होता है, उस सब पे चीजों पे ये चीज डिपेंड करता है, है ना। तो वेक्टर एडिशन एल्जेब्रिक अर्थमेटिक एडिशन से अलग होता है, वेक्टर एडिशन अर्थमेटिक एडिशन से अलग होता है। समझ गए इस बात को? इस पे मैं चर्चा करूंगा टेक्नो वाले कंटेंट में, जब मैं टेक्नो वाला फिजिक्स पढ़ा रहा हूंगा तब मैं आपको पूरा इसका डेरिवेशन करके बताऊंगा, ठीक है। अभी तो फंडामेंटल बेसिस से काम स्टार्ट करते हैं। ये डेफिनेशन आप कॉपी में नोट्स बना लीजिए, बिल्कुल ये को नोट्स बन जाएगा आपका, यहां तक कॉपी कर लेंगे, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, जो जो चीज मैं बोर्ड पे लिखूं उसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये चीज अब जब हम इतना ही जानना है अपने को वेक्टर में, ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं किस पे चलेंगे हम लोग, अब अपने टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है मोशन। तो चलिए आते हैं मोशन पे। कहानी है बिल्कुल पूरा, इसको आप कॉपी कर लीजिए एक बार, है ना, ठीक है। चलिए अब मोशन क्या होता है। अच्छा अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोशन होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूं, जरा बताइए ध्यान से देखिए कि क्या मैं अभी मोशन कर रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे कि हां आप मोशन कर रहे हैं, या मैं अभी पूछूं कि क्या मैं अभी रेस्ट में हूं। देखिए दो बातें होती है, एक तो क्या है मोशन, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा रेस्ट, दूसरा क्या है रेस्ट। तो अगर मैं पूछ रहा हूं कि क्या मैं मोशन कर रहा हूं, तो आप यस और नो कुछ तो बोलिएगा, या मैं पूछूं कि क्या मैं अभी रेस्ट में हूं, तो यस और नो कुछ तो बोलिएगा यस और नो। लेकिन हम नहीं बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप, मैं अभी मोशन कर रहा हूं, आप बोलेंगे हां कर रहे हैं, मैं बोलूंगा नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम दोनों सच हो सकते हैं, हम दोनों सही बोल रहे होंगे, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। और कंडीशन क्या होता है कि मोशन को आप सीधा सीधा रेस्ट, मैं कहूंगा मैं अभी रेस्ट में हूं, आप कहेंगे हां रेस्ट में, नहीं मैं रेस्ट में नहीं हूं, मैं मोशन में हूं, और मैं हूं मोशन में, मैं मोशन में हूं। अगर आप देख रहे हैं रेस्ट में है, लेकिन जो स्पेस में बैठा आदमी है वो तो धरती घूम रहा है उसके साथ, तो धरती के साथ साथ तो मैं भी घूम रहा हूं, तो उसके लिए तो मैं मोशन में हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई स्पेस स्टेशन से हमको देखे तो उसके लिए मैं भी घूम रहा हूं कि नहीं घूम रहा हूं। मान लीजिए कि मैं और आप दोनों आदमी बस में बैठे हैं, मैं और आप बस में बैठ गए। अब बस में हम जब बैठे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा कि मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं, तो आप क्या बोलेंगे कि आप रेस्ट में हैं। लेकिन जो आदमी रोड पे खड़ा है वो तो हमको मोशन में बोलेगा, क्योंकि बस चल रही है कि नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रेस्ट और मोशन जो होता है इसको हम सिंपली डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि रेस्ट और मोशन जो है, मोशन और ये जो होता है रेस्ट एंड मोशन आर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। क्या है मेरा ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि जब मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं रेस्ट में हूं तो आप मेरे से पूछोगे कि देख कौन रहा है, देखने वाला कौन है, किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो। अगर जैसे देखिए मैं अभी रेस्ट में हूं कि नहीं हूं, अगर देखने वाला आप हैं जो ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर जो कौन होता है जो देख रहा है, जो टाइम के साथ खड़ा है ना, जिसके हाथ में घड़ी है और वो घड़ी देख के बोल रहा है कि क्या वो चल रहा है कि रुका हुआ है, तो ये रिलेटिव टर्म है। अगर मैं पूछूं मैं रेस्ट में हूं तो किसके रेस्पेक्ट में, मैं अभी रेस्ट में हूं आपके लिए मैं रेस्ट में हूं नो डाउट, लेकिन जो अभी स्पेस स्टेशन में से बाहर से हमको देख रहा होगा स्पेस से, मैं उसके लिए मोशन में हूं। बस में मैं बैठा हुआ हूं, बस में मैं बैठा हुआ तो आप अब मेरे साथ बस में बैठे हैं तो आपके लिए मैं कैसा हूं, रेस्ट में हूं। लेकिन जो आदमी रोड से मुझे देख रहा है उसके लिए मैं मोशन में हूं। तो देखिए जैसे ही हमने आदमी बदला, देखने वाला जो ऑब्जर्वर था, जो ऑब्जर्व कर रहा था, जो देख रहा था, पहले आप देख रहे थे तो मैं रेस्ट में था, अभी क्या है वो बाहर खड़ा आदमी देख रहा है तो मैं मोशन में आ गया। मैंने कुछ बदला क्या? कुछ नहीं बदला। बदला यहां पे क्या है? ऑब्जर्वर, देखने वाला बदल गया है ना। और ये जो देखने वाला बदलता है इसको बोलते हैं फ्रेम बदलना। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम बदलना। तो रेस्ट और मोशन को सिंपली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, आपको यह पूछना पड़ेगा कि भाई किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो आपके रेस्पेक्ट में मैं भी रेस्ट में हूं, रुका हुआ हूं, मैं भी रेस्ट में हूं, ठीक है। लेकिन किसी और के रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हो सकता हूं, जैसा मैंने एग्जांपल बताया बस वाला आपको, है ना। आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आपके सामने खिड़की के बाहर आपने देखा, तो खिड़की के बाहर वो पेड़ पौधे दौड़ते हुए लगते हैं ना, कि पेड़ दौड़ रहा है ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। और आपके सामने एक आदमी बैठा हुआ है तो वो आदमी और पेड़, अगर आप सामने वाले आदमी को देखेंगे तो वो आपके लिए कैसा है? रेस्ट में है। और अगर आप पेड़ को देखेंगे तो वो आपके लिए कैसा है? वो मोशन में है आपके लिए, वो आपके लिए मोशन में है। सबके लिए मोशन में ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपके लिए मोशन में है क्योंकि आपके लिए वो दौड़ता हुआ जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो रेस्ट और मोशन एक ही चीज रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है? कि देखने वाला कौन है। और जो देखने वाला होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अब अगर मैं रेस्ट और मोशन को डिफाइन करूं तो मोशन कैसा डिफाइन होगा? इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स प्लेस विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, टू एन ऑब्जर्वर, है ना, एंड विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर एंड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं ऑब्जर्वर हूं और मेरे लिए आप अगर टाइम के साथ अपना जगह पोजीशन चेंज इट्स प्लेस, या प्लेस के मतलब मैं पोजीशन लिख देता हूं, अगर आप मेरे लिए, अगर मैंने आपको टाइम के साथ जगह बदलते देखा, आप अगर जगह बदल रहे हो तो मेरे लिए आप मोशन में हो, मेरे लिए मोशन में हो। सबके लिए हो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए आप मोशन में हो, ठीक है। और किसके साथ? टाइम के साथ, विद रेस्पेक्ट टू, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं तो मेरे साथ, मेरे हाथ में घड़ी है। ऑब्जर्वर कौन है? जिसके पास टाइम है, जो टाइम के साथ चेक करेगा, है ना, कि आपने जगह बदला कि नहीं बदला, तो टाइम चेंज होगा ना वहां पे। तो टाइम के साथ अगर आप जगह भी बदल रहे हो और कोई देखने वाला है, मेरे लिए अगर आप जगह भी बदल रहे हो, अगर आप मान लीजिए पहले ए पे थे, टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे आप ए पे खड़े थे, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे आप बी पे आ गए, और मैं यहां खड़ा होकर देख रहा हूं, मान लीजिए मैं यहां खड़ा होकर आपको देख रहा हूं, तो क्या आप रेस्ट कर रहे हैं कि मोशन कर रहे हैं? तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? पहले आप यहां पे थे, है ना, पहले आप यहां पे थे, अभी आप यहां पहुंच गए, तो मेरे लिए आप मोशन कर रहे हैं, मेरे लिए आप मोशन कर रहे हैं। समझ गए इस बात को? कैसा कर रहे हैं मेरे लिए आप? मोशन कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बस में बैठा हुआ हूं तो रोड पे जो खड़ा आदमी है वो मेरे लिए मोशन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। अगर मैं देख रहा हूं बस चल रही है, जैसे मैंने बताया ना ट्रेन में हम बैठे हैं, तो मेरे लिए पेड़ मोशन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो रुका हुआ हूं, है ना, लेकिन पेड़ मेरे लिए मोशन कर रहा है कि नहीं है। वही अगर रोड पे खड़ा आदमी कोई है,
तो कोई प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा है, ट्रेन जा रही है, तो उस आदमी के लिए मैं मोशन कर रहा हूं, है ना, समझ गए इस बात को। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आप मोशन समझ गए, बहुत जरूरी है इस चीज को अच्छे से समझना, ठीक है। अब रेस्ट की बात करें तो रेस्ट में ये तो समझ में आ गया, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, है ना। तो चलिए अब रेस्ट की बात करते हैं, रेस्ट में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स प्लेस विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब तो टाइम के साथ अगर क्या हो कि जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आपने टाइम देखा, अभी टाइम स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते ही आपने देखा कि मैं वहीं का वहीं हूं, मैंने जगह बदला ही नहीं, मतलब मान लीजिए कि मैं देख रहा हूं, ये कौन था, ये ऑब्जर्वर, ये कौन है हमारा ऑब्जर्वर, और ये कौन है, ये कौन है बॉडी जो मोशन कर रहा है ना, यहां पे फिर से ऑब्जर्वर रहेगा, है ना, ये ऑब्जर्वर फिर से है यहां पे, ठीक है ना, और क्या है, इसने क्या किया, टाइम देखा, इसने घड़ी में क्या लगाया, टाइम लगाया, है ना, ऐसा टाइम देखा इसने, तो इसने क्या देखा कि टी इक्वल टू जीरो सेकेंड पे आप जो थे वो यहां खड़ा थे, है ना, आप यहां थे, और टी इक्वल टू दस सेकेंड बीत जाने के बाद भी आप यही खड़े हैं, कहीं गए ही नहीं, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप रेस्ट में हैं, कैसा है आप यहां पे, आप रेस्ट में हैं, क्योंकि टाइम तो बढ़ गया लेकिन आपका जगह बदला ही नहीं, तो आप कैसे हो गए, रेस्ट में हो गए। इसलिए अब जैसे ट्रेन में मैं बैठा हुआ हूं, मेरे सामने वाले बर्थ पे कोई बैठा हुआ है, उसने तो जगह बदला ही नहीं, मेरे लिए तो उसने जगह नहीं बदला ना, रोड पे खड़े आदमी के लिए तो बहुत जगह बदल चुका है, लेकिन मेरे लिए तो जगह नहीं बदला, तो मेरे लिए आप रेस्ट में हैं, सबके लिए रेस्ट में है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए रेस्ट में है। और क्या, वैसे भी दुनिया में कहते हैं ना कि जो तुमको लगता है वही सही है, फिजिक्स है, फिजिक्स वही मानता है दुनिया की बात, कि जो हमको लगता है वही सही है, और हमको क्या लगा कि भाई वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में है, हमको क्या लगा कि पेड़ दौड़ रहा है तो हाँ भाई दौड़ रहा है, वो मेरे लिए मोशन में है कि नहीं है, मैं अभी खड़ा हूं, आपने देखा मैंने रेस्ट में हूं, मैं जगह बदल ही नहीं रहा हूं, मान लीजिए कि ये धरती है और धरती घूमती है, मैं यहां खड़ा हूं, मान लीजिए मैं यहां हूं, मैं यहां पर खड़ा था, ठीक है ना, अब आपने आप और आप यहां खड़े थे, और मान लीजिए कि आप यहां खड़े थे, है ना, आप यहां खड़े थे, हम दोनों रुके हुए हैं, आपके लिए मैं रेस्ट में हूं, मैंने जगह नहीं बदला, लेकिन अगर कोई यहां स्पेस से देखे, अगर कोई स्पेस से देखेगा तो हम लोग तो घूम चुके हैं, अपना जगह बदल चुके हैं हम लोग, तो इसके लिए क्योंकि धरती घूमती है ना, धरती घूमती है ना ऐसे, तो ये घूम चुकी है धरती, तो हम लोग जगह बदल चुके हैं, है कि नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हम मोशन कर रहे हैं, है कि नहीं है, जबकि आपके लिए मैं कैसा हूं, मैं रेस्ट में हूं, मेरे लिए आप कैसे हैं, रेस्ट में हैं, लेकिन स्पेस वाले आदमी के लिए हम लोग मोशन कर रहे हैं, बस में बैठे हैं, मेरे लिए आप कैसे हैं, रेस्ट में हैं, आपके लिए मैं कैसा हूं, रेस्ट में हूं, लेकिन बाहर खड़े आदमी के लिए हम लोग मोशन कर रहे हैं, हमारे लिए बाहर खड़ा आदमी मोशन कर रहा है कि नहीं है, तो ये रिलेटिव टर्म्स होता है, ये डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है, देखने वाला कौन है, और देखने वाला कौन होता है, ऑब्जर्वर होता है, और जो ऑब्जर्वर होता है वही बताता है कि टाइम चेंजेज हुआ तो पोजीशन बदला कि नहीं बदला, टाइम चेंज हुआ तो अगर पोजीशन बदला तो मोशन हुआ, टाइम चेंज हुआ पोजीशन नहीं बदला तो मोशन नहीं हुआ, वो रेस्ट कहलाएगा। समझ गए यहां तक की बात, क्या रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है आपके लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। वंस अगेन, फिर से एक बार, रेस्ट और मोशन जो होता है वो रिलेटिव टर्म होता है, बिना फ्रेम के, बिना फ्रेम के या ऑब्जर्वर के हम ये नहीं बता सकते हैं कि कोई रेस्ट में है कि मोशन में है। मैं सीधा कहूं मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं, आप नहीं कह सकते हैं मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं। मैंने समझाया क्यों नहीं कह सकते हैं, वही मैंने कहा कि आपके लिए मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं, तो आपके लिए मैं रेस्ट में हूं। समझ गए इस बात को, तो ये चीज हमारा होता है रेस्ट और मोशन, ठीक है, ये चीज समझ गए ना, यहां तक बहुत जरूरी है ये अंडरस्टैंडिंग, इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज, तब हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला हमारा है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या फिर एंड कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का एक और नाम है, 1D मोशन नाम है, आप याद कर लीजिए, बस अभी बाद में समझेंगे क्या होता है 1D मोशन, इसको बोलते हैं, ठीक है।
अब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की बात क्या होती है? कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट पाथ, अलोंग स्ट्रेट पाथ मतलब क्या हुआ? तो इसको क्या बोलते हैं? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हुआ कि ये ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट है। यहां से ये देखिए, ये स्ट्रेट, अगर यहां से आदमी चलना शुरू करेगा, यहां से एक आदमी चलना शुरू करे तो यहां पहुंचेगा बी पे, तो ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा है। ये किसके अलोंग जा रहा है? स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा है। तो इसको बोलते हैं वन डी मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्ट्रेट लाइन मोशन। समझे इस बात को? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्ट्रेट लाइन मोशन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलता है तो सीधे रास्ते में, मैं मतलब ऐसा हूं ना तो मैं ऐसा घूम के नहीं चलूंगा, ऐसा घूम के नहीं जाना है, मैं ऐसा हूं स्ट्रेट चलूंगा बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रेट जाने वाला होता है ना, मैं ऐसा हूं और ऐसा से मैं स्ट्रेट चल रहा हूं, तो ये क्या हो गया? ये स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। और अगर मैं घूम घूम के चलूंगा ऐसा, मैं ऐसा घूम के चलूं, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हुआ। समझ गए इस बात को? तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। इसी का हो 1D बोले तो वन डायमेंशन नाम कहते हैं इसको, वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। ये बाद में चर्चा की जाएगी, ठीक है? तो चलिए, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। अब जरा सा हमको जो इंपोर्टेंटली समझना है वो कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना है, ठीक है? तो कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जानते हैं क्या होता है, चलिए वन बाय वन समझेंगे। मैं यहां पर लिख लेता हूं डिस्टेंस और यहां लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? ये एक क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है। मैं यहां समझाता जाऊंगा और लिखता जाऊंगा टेबल में, है ना? या मैं समझा दूं पहले, टेबल बाद में बना दूं, ठीक है? टेबल में बाद में लिख लेंगे, पहले समझ लेते हैं, ठीक है? चलिए, टेबल बाद में बना लेंगे, समझ लेते हैं एक बार। देखिए क्या है, यही ए पॉइंट और यहां से ये बी पॉइंट, ठीक है? लेकिन क्या है कि ए से बी पे जाने वाला जो रोड बनवाया मैंने, जो रोड हमने देखा, वो रोड ऐसा था, ये ऐसा था रोड, ये था बी पे जाने वाला रोड, ठीक है? और ए से बी का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस था, ये जो देख रहे हैं आप लाइन, ये लाइन है 50 किलोमीटर का, और ये जो रोड है ये मान लीजिए 80 किलोमीटर का। कितने का है मेरा ये? 80 किलोमीटर का। तो अब क्या हुआ कि आदमी जो यहां से चलेगा तो वो तो इसी रास्ते से चलेगा, क्योंकि उसको तो भाई रोड तो यही है, ये रोड थोड़ी है, रोड तो यही है कि नहीं है? ये क्या है हमारा? रोड है ना? तो रोड से चला तो दो भाई कितना एक्चुअली मैं चल रहा हूं, अगर मैं यहां से यहां पहुंचा तो कितना मैं चला? 80 किलोमीटर चला, लेकिन एक्चुअली दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर का ही है कि नहीं है? तो डिस्टेंस क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। क्या होता है डिस्टेंस हमारा? डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस को अगर मैं डिफाइन करूं, अगर मैं डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखूं, तो क्या है मेरा ये? डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। आप देखिए दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है यहां पे? 80 किलोमीटर का है कि नहीं है? ठीक है। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस हो गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इसको ना कितना डिफरेंस है इस, यहां से दिल्ली का डिस्टेंस जो है बाय रोड मान लेते हैं 2000 किलोमीटर, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट बिल्कुल सीधा मेजर करूं, आप एक गांव से दूसरे गांव जाते होंगे, गांव में एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो देखते होंगे कि ऐसा रोड घूम घूम के होता है, तो घूम घूम के रोड होने पर लेंथ बढ़ जाता है उसका। जहां भाई अगर वो रोड बिल्कुल सीधा बनाए, नाक के सीध में बना दे यहां से वहां, तो वो तो छोटा हो जाएगा, वो तो और नजदीक हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? भाई गांव में क्या करते हैं कि सीधा खेतों खेत अपन चल जाते हैं किसी दूसरे गांव, तो वो क्या होता है? डिस्टेंस कम हो जाता है वहां पे। और अगर जो रोड से जाते हैं तो रोड पे क्या होता है? वो लंबा ऐसा घुमा घुमा के सांप जैसा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो वो रास्ता अगर आप रोड से जा रहे हैं तो ये आपका डिस्टेंस हुआ, क्योंकि भाई एक गांव से दूसरे गांव के बीच का डिस्टेंस कितना बोल दिया? 80 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट ये एक्चुअल डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का? वो तो 50 किलोमीटर ही है। भाई एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 50 किलोमीटर। इन दोनों पॉइंट के बीच का एक्चुअल डिफरेंस कितना है? वो तो 50 किलोमीटर ही है ना? तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट में जो बोलते हैं वो बोलते हैं एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट।
मतलब क्या हुआ? मतलब कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है 80 किलोमीटर का, जबकि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है 50 किलोमीटर का। डिस्टेंस कितना किया आपने 80 किलोमीटर का, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया 50 किलोमीटर का। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिफरेंस। इसी को मैं और दूसरी भाषा में लिख देता हूं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। देखिए, दो पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है क्या? नहीं है, ये तो कर्व कर्व घुमा फिरा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। तो डिस्टेंस बिट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट, और जो भाई क्या होता है डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज व्हाट? डिस्टेंस। ये तो बात समझ गए यहां तक आप, क्या होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, इट इज शॉर्टेस्ट, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो किसी भी दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा दूरी होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में 50 किलोमीटर से कम डिस्टेंस, कम का मेजरमेंट कभी नहीं आएगा। जो भी आएगा 50 से तो ज्यादा ही आएगा। अगर कोई डिस्टेंस, कोई जो रास्ता अपनाएगा, मान लीजिए मुझे ए से बी जाना है, तो कम से कम मुझे कितना चलना पड़ेगा? सबसे कम अगर मैं चलना चाहूं तो मुझे 50 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इससे कम में मैं कभी भी बी, अगर मैं 49 किलोमीटर ही चलूं तो मैं बी पे कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। ये 80 किलोमीटर का था ना, ये 80 किलोमीटर वाला। तो अगर मैं 50 से अगर मैं 80 किलोमीटर चलूं तब तो मैं रोड से पहुंच जाऊंगा, ये तो डिस्टेंस ही हो गया। मुझे कम से कम चलना है, सबसे कम चलना है, तो सबसे कम कितना हो गया मेरा? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, है ना। दो पॉइंट के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन जो होगा वो जो डिस्टेंस होता है वो सबसे छोटा होता है, उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ गए इस बात को यहां तक? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इसको मैं रब करता हूं, देखिए एक चीज फिर से आगे, यहां से आगे चलते हैं। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब मैंने क्या बोला दूसरा बात अगर मैं यहां से बोलूं तो क्या है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी, अच्छा कैन नॉट बी जीरो इफ बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, जीरो और नेगेटिव, नेगेटिव इफ बॉडी इज इन मोशन। और यहां क्या होता है? इट कैन बी नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव इफ बॉडी इज इन मोशन, इफ बॉडी इज इन, बॉडी इज इन मोशन। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, इसका मतलब समझते हैं, मतलब समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखिए फिर से वही चीज, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये कितना 50 किलोमीटर, और ये जो रोड था इसके बीच में ये कितने का 80 किलोमीटर का, ठीक है। अब अगर एक आदमी ए से चलना शुरू किया और वो बी पे पहुंच गया तो डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस कितना चला, ये डिस्टेंस चला है 50 किलोमीटर का, और डिस्प्लेसमेंट कितना चला है, ये भी चला ये 50 किलोमीटर, ठीक है। अगर ए से चल के बी पे पहुंच गया तो डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस कितना हो गया 80 किलोमीटर, कितना हो गया डिस्टेंस हमारा 80 किलोमीटर का, और डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ 50 किलोमीटर का, ठीक है। अब ये आदमी ऐसा यहां से घूम घूम के वापिस आ गया, यहां पे वापिस कहां पे आ गया, ए पे आ गया। तो जब ये वापिस ए पे आ गया तो अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 80 जाने का और 80 आने का कितना हम चले हैं, है ना, डिफरेंस बिटवीन, तो कितना हम चले, तो भाई 80 जाने का 80 आने का तो कितना हो गया 160 किलोमीटर।
लेकिन अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। तो डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन फाइनल इनिशियल तो क्या हो गया भाई, यहां पे फाइनली कहां पे पहुंचा, ये ए पे, पहले चला कहां से था ए पे, तो ए माइनस ए कितना होगा जीरो, ए माइनस ए कितना हुआ जीरो। अगर बॉडी ने चलना शुरू किया है तो डिस्टेंस कुछ ना, देखिए मैं यहां से चलता हूं, अगर मैं चलूं तो मैं चला तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस मैं कर ही लूंगा, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ही होगा। मैं चल के घूम के वापस पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जीरो। लेकिन डिस्टेंस दो स्टेप चार स्टेप हो गया हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जीरो स्टेप, डिस्प्लेसमेंट जीरो स्टेप, समझ गए इस बात को। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जबकि डिस्टेंस हमारा अगर बॉडी चल रहा है तो जीरो नहीं हो सकता है। अब आई नेगेटिव की बात, तो अब नेगेटिव की बात समझ लीजिए क्या होता है, मैं फिर से इसको रब कर रहा हूं, क्या है नेगेटिव की बात, देखिए अगर मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, ये ए पॉइंट है, मैं यहां से चला यहां बी पे पहुंचा, वापिस आया और मैं यहां सी पे रुका, मैं यहां सी पे रुका, यहां से यहां 50 किलोमीटर और यहां से यहां मान लेते हैं 10 किलोमीटर। तो देखिए ये माइनस में मैं था, यहां पे खड़ा था, मैं यहां से यहां पहुंचा, ठीक है 50 किलोमीटर, फिर वापस यहां आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो, डिस्टेंस कितना हो गया जितना हम चले थे, और अब अगर मैं यहां आ गया तो ये मैं क्या हो गया, जहां खड़ा था ओरिजिन, ये इसको बोलते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं इसको ओरिजिन, जहां से हमने काम स्टार्ट किया है। तो अगर ओरिजिन से पीछे आ गया मैं तो अब डिस्टेंस कितना हुआ, देखिए मैं ए से चला बी पे पहुंचा, बी से फिर मैं ए पे आ गया और ए से मैं सी पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, ए से बी 50, फिर यहां से यहां 50 100 और फिर ये 10, तो 110 हो गया हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखिए 50 एंड 50 जीरो और ये -10, देखिए हमने क्या लिखा था यहां पे 50 माइनस 50, 50 माइनस, माइनस मतलब इधर की तरफ जा रहे थे उल्टा, इसलिए माइनस 50 और यहां से फिर चले हैं -10, तो फिर से -10, तो ये जीरो तो क्या हुआ -10, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरा यहां पे -10। मतलब अगर मैं ओरिजिन से पीछे चला जाऊं ना तो वो नेगेटिव होगा, वो कैसा होगा हमारा नेगेटिव, ओरिजिन से आगे जा रहा हूं तो पॉजिटिव, ओरिजिन से देख एक्सिस याद है ना, ये तो पढ़ते होंगे ना एक्सिस में, याद है कि नहीं याद है, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स, यहां पे 1 2 और ये -1 -2 पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं। तो यहां से यहां गया 2, वापस आ गया 0 और वापस इधर चला गया तो क्या बना मेरे पास -1, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है मेरा ये डिस्प्लेसमेंट, समझे इस बात को। और डिस्टेंस कितना हुआ 2 to 4 1 5, डिस्टेंस कितना हुआ यहां पे 5, डिस्टेंस कितना हुआ 5 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -1, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट यहां पे -1, समझ गए इस बात को। अगर मैं सिर्फ यहां से यहां पहुंचा हूं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हुआ, क्योंकि भाई दोनों 50-50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कंडीशन के हिसाब से, समझे इस बात को कि नहीं समझे, ठीक है। अब इसके साथ में एक चीज और, अगला चीज जो लिख दूं वो क्या है हमारा कि डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, क्या है हमारा ये स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है हमारा ये इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, देखा था अभी आपने कि इधर गए फिर वापस आ गए, तो भाई इसमें अभी अभी क्या बताया था मैंने कि ये यहां से यहां गया, ये ए था, ये बी था और ये यहां पे सी पहुंचा, ये यहां से यहां गया वापस आया इधर चला गया, तो हम किधर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं मतलब नहीं है, इसको तो सिर्फ जुड़ना है। तो क्या था 50 50 100 और +10 110 था, इसको हम किधर जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, क्योंकि स्केलर को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, लेकिन इसको डायरेक्शन से मतलब होता है। अगर मैं इधर गया तो मैंने पॉजिटिव लिया, वापिस आया तो पॉजिटिव 50 तो मैंने नेगेटिव 50 लिया, फिर इधर आया तो नेगेटिव 10, तो रिजल्टेंट कितना आया था ये जीरो हो गया, तो -10 आया था कि नहीं आया था। तो इसको डायरेक्शन से मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से मतलब है ना, डायरेक्शन से भी मतलब है, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है,
है ना, उसको तो सिर्फ जोड़ने से मतलब है कि भाई 50 इधर गया वापिस आया, भाई गांव मान लीजिए आप अपने गांव से नजदीकी शहर गए 50 किलोमीटर पे, शहर गए शहर से आए तो कितना चल के आए दिन भर में 100 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, आप घर से चले थे घर आपका ओरिजिन, वापिस घर पे पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, जीरो। जहां से चले अगर वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब यहां से मैं गया शहर, शहर से आया घर, घर से वापस मैं रिलेटिव के घर चला गया तो ये नेगेटिव हो गया, क्या हो गया ये हमारा नेगेटिव हो गया, समझे इस बात को, कि मैं यहां से चला इधर पहुंचा और यहां पहुंचा फिर इधर की तरफ चला गया तो नेगेटिव हो गया। तो देखिए ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जबकि ये क्या होगा हमारा, ये जीरो नहीं हो सकता है अगर बॉडी मोशन कर रहा है तो, क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्यों हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, समझे इस बात को, है ना, ये नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव क्यों हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो से कोई लेना देना है ही नहीं, इसको ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, जो मॉडुलस लगाते थे क्लास 5-6 में पढ़ा होगा, मॉडुलस -5 का मॉडुलस कितना होगा, 5 होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक बात बोलूं, जैसे इसी चीज को मैं एक तरीके से बोलूं आपको कि ये ओरिजिन है, ये मान लीजिए एक्सिस एक्स वाई एक्सिस, ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, आदमी यहां से चल के यहां पहुंच गया -5 पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट -5 है, डिस्टेंस कितना है, तो -5 का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 5 होता है, तो डिस्टेंस इसका 5 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, -5 है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से भी मतलब है, जबकि डिस्टेंस को डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। यहां तक समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत है इस चीज में, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, हाँ बिल्कुल इक्वल हो सकता है, अगर बॉडी, अगर मैं बोलूं कि ये डिफरेंस आप लोग कॉपी कर लेंगे, इसमें इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए यहां से, और इसके बाद हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट पे। चलिए मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, तो जी हां बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत है, वेरी सिंपल, क्या दिक्कत है, ये ए और ये बी, भाई अब यही रास्ता है, अब यही रास्ता है, मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट सी मान लिया, इसको मानते हैं यहां से यहां तक मैंने बोल दिया ए सी इक्वल टू 30 किलोमीटर, सी बी इज इक्वल टू मान लेते हैं यहां से यहां तक 20 किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर है ना। अब क्या है कि एक आदमी ए से सी पहुंचा तो डिस्टेंस कितना, फर्स्ट ए टू सी के लिए डिस्टेंस कितना भाई, 30 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना, डिस्प्लेसमेंट भी कितना 30 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस को हम लोग किससे, एस से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, यहां पे एस से हम लोग डिस्टेंस को डिनोट करेंगे, और एस के ऊपर में ऐसा लगा दिया ना एरो, ऐसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, तो ये हो गया डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी के ऊपर में ऐसा एरो लग गया ना तो वो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है हमारा, वो वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्टेंस के रेस्पेक्टिव में वेक्टर कौन होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे से हम लोग डिस्टेंस कहेंगे, तो एस के ऊपर में एरो लगा दिया तो क्या बन गया, वो डिस्प्लेसमेंट, समझ में, ये याद रखना है, कहीं कॉपी के कोने में लिख दीजिए, ऐसे से हम लोग डिस्टेंस बनाएंगे और एस के ऊपर में ऐसा लगा दिया एरो तो क्या बन जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो अब मैं डिस्टेंस नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे ही लिख दूंगा, फिर से आप लिख लीजिए किसी कॉपी के ऊपर में कि एस से डिस्टेंस और एस के ऊपर में एरो लगा दिया तो वो डिस्प्लेसमेंट। अब मैं डिस्टेंस नहीं लिख के ऐसा नहीं, मैं सीधा एरो लगा के लिखूंगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया 30 किलोमीटर। अब आदमी सी से बी पे पहुंच गया, तो जब सी से बी भी पहुंच गया तो अब क्या हो गया, अभी डिस्टेंस बोलिए एस कितना हो जाएगा, देखिए चला था कहां से, ए से पहुंच कहां गया बी पे, तो डिस्टेंस कितना हुआ 50 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज ऑल्सो, वो भी कितना है हमारा 50 किलोमीटर ही होगा, होगा कि नहीं होगा बोलिए। अब वो वापिस घूम के सी पे आ गया, वापिस घूम के कहां गया, वो सी पे आ गया, तो अब डिस्टेंस कितना है, अब देखिए
अब वापस तो डिस्टेंस एस कितना होगा मेरे पास, ये समझने के लिए, इसको कॉपी नहीं करना है, ये कॉपी करना था आपको, ये समझने के लिए है। तो अभी डिस्टेंस कितना होगा इसका, डिस्टेंस देखिए 50 चला था वापस 20 आया, तो डिस्टेंस कितना हुआ 70 किलोमीटर, कितना हुआ डिस्टेंस हमारा 70 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, भाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनली कहां है और पहले कहां था, तो पहले तो वो ए पे था, शुरू कहां से किया था ए से, और फाइनली कहां पे है सी पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ 30 किलोमीटर। तो देखिए अब ये अलग अलग हो गया, अब तक इक्वल था, सेम टू सेम था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, अगर स्ट्रेट लाइन चलेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, इक्वल होगा, समझ गए इस बात को। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये फॉर्मूला आप कहीं लिख लीजिए, फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इसको याद रखना है आपको, समझ गए तीसरी बात, आप क्या होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, कोई कंफ्यूजन है यहां तक आपको, है ना, अगर नहीं है इस बात तक में तो जो ठीक है सबको कर लीजिए, और जो हम अगला काम करेंगे वो क्या करेंगे, हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पढ़ते रहिए मजे से और इसको अच्छे से समझ लीजिए, इस कहानी को एनसीईआरटी के बुक के स्टार्टिंग वाले पेज को पढ़ लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आपको पता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए और हम उसको सॉल्व आउट पक्का ही कर देंगे, है ना, निश्चित हम उसको सॉल्व करेंगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, है ना। और धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल्स पार्ट में भी जाएंगे, धीरे धीरे चलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम न्यूमेरिकल्स में आपको न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा, ठीक है ना, मन से बातों को निकाल दीजिए। तो इसी के साथ आप लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे सबकी, और मजे में ध्यान से पढ़ते हुए खुश रहना है, और वीडियोस को अच्छा लगे तो पता है ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको एक बार, ताकि अगला वीडियो में जैसे ही डालूं इसका अगला वाला कि तुरंत ही आपको मिल जाए, तो एक सीक्वेंस में आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।